हमें अच्छा लग रहा है कि हमने जब अपने बेटे की शादी की तो मालूम हुआ कि खुफिया ज़राए से मालूम हुआ कि वो लड़की वाले अमीर हैं और उसको कार देना चाह रहे हैं। तो मैंने लड़के से कहा, मैंने कहा भाई ससुराल का माल मत खाना, आदमी कुत्ता हो जाता है, चक्कर मत पड़ना। तो हमने पूछा कौन सी गाड़ी अच्छी आ रही है आजकल, उसने कहा सफारी डेकर। तो हमने उस ज़माने में 7-8 साल हो गए, सफारी डेकर मैंने उसे दिलवाई। अच्छा मज़े की बात ये कि हमारी बीवी भी कानपुर की हैं और हमारी बहू भी कानपुर की है, इसलिए हमको जौहर कानपुरी अच्छे लगते हैं। तो क्या बता रहा था मैं, तो सब वो मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं देखो बेटा ये सब नहीं करते हैं। तो खैर उसको मैंने 10,56,000 की कार मैंने इंतज़ाम करके दे दी। ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे तो 2,000 के नोट मेरे यहाँ ढूंढने पहुँच जाएंगे। तो था वो मैंने वो गाड़ी उसको दिलवा दी। अब वो हमारी समझंदरा बड़ी शोबाज वो तू अना का अपनी, मंसूर भाई सुनना, तू अना का अपनी असीर है, मैं अना का अपनी असीर हूँ, तू नया नया सा अमीर है, मैं नया नया सा बकी हूँ, तू नया नया सा अमीर है, मैं नया नया सा फकीर हूँ। वो कहें भाई जी चाहता है, दो ही बेटियाँ थीं, एक की शादी हो गई एक ये बच्ची है, हौसला निकालना चाहता आदमी हिम्मत। मैंने कहा देखिए हम बहुत गुनहगार हैं, डायरेक्ट दोजख के बिल्कुल हैं मुसाफिर, लेकिन इसके बावजूद एक तवक्को ये है कि हम हैं आले रसूल, अगर आप देना ही चाहती हैं तो वही दीजिए जो हमारे यहाँ आता जाता रहा है आज तक, मिट्टी के बर्तन दे दीजिए। और मैंने 2 कार्टन मिट्टी के बर्तन लिए और मैंने अपने घर में सजा दिए, ड्राइंग रूम में हमारे लगे हुए हैं। हमने कहा एक जनरेशन को कम से कम यह गैरत तो रहेगी कि हमारे बाप में कुछ रहा हो ना रहा हो मर्दानगी और किरदार मौजूद था। तो ये है कि अपने तौर पे ज़िंदा रहने और ज़िंदगी गुजारने का, तो मगर यही शायद अम्मा अब्बा ने यही सिखाया भी था। अब मैं गज़ल के मैं 3-4 शेर में जल्दी सुना देता हूँ। गज़ल का ये है कि मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊँ, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊँ, जिस शान से आया हूँ उसी शान से जाऊँ। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊँ, जिस शान से आया हूँ उसी शान से जाऊँ। बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूँ, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूँ, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं, चिड़ियों की तरह उड़ के। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान। हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं। जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, जिंदा मुझे देखेगी, जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान, जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं। और शेर आखिर आज की रात आप लोगों की नजर है कि क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। शुक्रिया। खवातीन हजरात, साहिब जश्न, सदर मुशायरा जनाब मुनव्वर राना साहब को आपने सुना। ये मत सोचिएगा कि एक मुशायरा कारवाने उर्दू कतर ने किया और वो मुकम्मल हो गया, ये सोचिएगा कि कतर की सरजमीन पर उर्दू ज़बान और तहजीब की एक तारीख लिखी गई, जिस तारीख को सजाया जनाब मुनव्वर राना ने। और अजीम अब्बास साहब, अतीक अंजर साहब, शाहिद खान, राशिद भाई और सारे लोग
محبت کی محفل، غزل کے اجالے، تمہاری امانت تمہارے حوالے۔